मिलिट्री कॉल साइन और अल्फाबेट कोड्स ट्रूप्स और मिलिट्री एसेट्स के बीच कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इन कॉल साइंस को अडॉप्ट किया गया था फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रूप्स, जहां पर ए को अल्फा, बी को ब्रेवो और सी को चार्ली बोलते हैं, और इन कोड्स को ही हम फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स मिलिट्री के अलावा एविएशन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और कॉल सेंटर समेत कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी फ्लाइट का नंबर है EK 543, तो पायलट अपने फ्लाइट नंबर को ECO KILO 543 कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करेगा। वही मिलिट्री पर्सनल VT9GC को रीड करेंगे एज विक्टर टेंगो नाइनर गोल्फ चार्ली। जैसे ए बी सी का कोड वर्ड अल्फा ब्रेवो और चार्ली रखा गया है, बिल्कुल वैसे ही सभी 26 लेटर को कोड वर्ड असाइन किए गए हैं। और आज की वीडियो में हम सभी नाटो फोनेटिक अल्फाबेट्स को देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर इन कोड को क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले सभी अल्फाबेट्स और उनको असाइन कोड को देखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट ए, असाइन कोड अल्फा, बी ब्रेवो, सी चार्ली, डी डेल्टा, ई एको, एफ फॉक्सट्रॉट, जी गोल्फ, एच होटल, आई इंडिया, जे जूलियट, के किलो, एल लिमा, एम माइक, एन नवंबर, ओ ऑस्कर, पी पापा, क्यू क्यूबेक, आर रोमियो, एस सियरा, टी टेंगो, यू यूनिफॉर्म, वी विक्टर, डब्ल्यू विस्की, एक्स एक्सरे, वाई यंकी, जेड जूलू। इवन अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में मौजूद 18 स्क्वाड्रन के नाम देखोगे तो वो भी नाटो कोड्स पर ही रखे गए हैं, एक्सेप्ट हंटर एंड पैंथर स्क्वाड्रन। एनडीए में मौजूद सभी स्क्वाड्रन्स का नाम है अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, हंटर, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पैंथर, क्यूबेक एंड रोमियो। अगर आप इन फोनेटिक्स को ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका नाम फोनेटिक्स के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा इन फोनेटिक्स में क्यूबेक और लीमा, ये 2 पॉपुलर सिटीज भी शामिल हैं। पर अब सवाल आता है कि आखिर फोनेटिक यूज क्यों करते हैं। दरअसल रेडियो कम्युनिकेशन के दौरान काफी डिस्टर्बेंस होता है, जहां पर कई इंग्लिश लेटर्स सिमिलर ही साउंड करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर रेडियो कम्युनिकेशन में वॉइस क्रिस्टल क्लियर ना हो तो पी वी और सी अल्फाबेट सिमिलर ही साउंड करते हैं, और वॉर में या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इस तरह से मिसकम्युनिकेशन डेडली भी हो सकता है। और ये मिसकम्युनिकेशन ना हो इसलिए पी को पापा, वी को विक्टर और सी को चार्ली बोलेंगे। और इस तरह से अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होता भी है तो ऐसे तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सभी कोड्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट साउंड करते हैं। कोई इंडिविजुअल एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस करता है ये उसके एक्सेंट और एज पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक चाइनीज पायलट पी काफी डिफरेंटली प्रोनाउंस करेगा कम्पेयर टू एनी जर्मन ATC स्टाफ और US ग्राउंड स्टाफ। इसलिए इंडिविजुअल लेटर्स की जगह पर इन फोनेटिक्स को यूज किया जाता है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।